आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय लोक नायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वराज जी, जो कि आइए अब इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे अभी आप देखे हैं कि गुजरात में कुछ चुनाव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं और उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो सबसे पहले इनसे हम उस मुद्दे पर हम चर्चा कराते हैं, उनसे कुछ जानते हैं कि जो गुजरात में चुनाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इस पर कुछ इनसे टिप्पणियां कराते हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले मैं जय हिंद भारत चैनल बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने हमें स्टूडियो में बुलाया और हमसे आप टिप्पणी ले रहे हैं, मेरा भी सौभाग्य है और आम जनता से मैं इस चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ, इसके लिए आप सभी बधाई पात्र हैं। देखिए, दो प्रदेशों का चुनाव हुआ है और दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए और गुजरात में 156 सीट हासिल किया है। बड़ी जबरदस्त, मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन मैंने माननीय मोदी जी ने कहा था, मैं माननीय मोदी जी का मैं न्यूज सुन रहा था कि गजब हो गया, ना गजब का प्रदर्शन सर दिखाई दे रहा है। मैं मोदी जी कहते कि ऐसा तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतना अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर जाएंगे, लेकिन प्रदर्शन तो गजब का आपका भी हुआ है। देखिए, समीक्षा करना चाहिए, व्यक्ति को समीक्षात्मक होना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी का गुजरात में इसके पहले भी कोई सीट था? आज 9% वोट पाकर आम आदमी पार्टी अब इस दावे के करीब में पहुंच गई है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई हो और आने वाले समय में एक अच्छी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभर रही है और मैं उसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। और वास्तव में मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं भारतीय लोक नायक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं अभी पार्टी का हमारा गठन हुआ है, हमारे सदस्यों का नामांकन चल रहा है, हम उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। और अब दर्शकों से भी निवेदन है कि आप में से यदि कोई राजनीति भी करना चाहता हो, हमारे पार्टी जुड़ना चाहता हो, तो आपका स्वागत है। पर सत्य कि मैं किसी दूसरे पार्टी से आए हुए किसी व्यक्ति को मैं नहीं लूंगा। मैं नया पौध लगा रहा हूँ, नई सोच के साथ आ रहा हूँ और इस सोच के साथ आ रहा हूँ कि हमारे जो युवा हैं उनमें एक नया सोच डेवलप हो कि कृपा करके आप जातिगत और धार्मिक बातों को, मैं पूरे राजनीतिज्ञों से भी निवेदन करता हूँ, न बोले तो अच्छा है। केवल भारत के विकास की बात कीजिए, लोगों के रोजगार की बात कीजिए, लोगों को आय क्षमता कैसे बढ़ती है, तक आय क्षमता बढ़ने से जब वो मार्केट में जाए तो उनके पास पैसे की कमी ना हो, उनके भी बच्चे भूखे न हो। और आज ही एक रिपोर्ट आया है, बहुत दर्दनाक रिपोर्ट है, मैं उसको बस अब कहिए तो मैं दिखा भी सकता हूँ। पति पत्नी ने जहर खा करके जान दे दिया है और कर्जा लिए थे, टेम्पो चला ला रहे थे, अपना नहीं भर पा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसियां कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। देखिए, मैं भी जिम्मेदार हूँ, सब लोग जिम्मेदार है, जो व्यक्ति लोन लेना वो भी जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी जिम्मेदार है। सर एक चीज बताइए, अभी आप कहें कि हम किसी और राजनीतिक पार्टी से जो लोग निकल जाएंगे उनको अपने पार्टी में नहीं लेंगे आप? सर कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है क्या कि मतलब पार्टी में कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपना दिन रात करके अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं उन्हें पार्टी से वो चीज नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई नया चेहरा आ जाता है, उनके पास पैसे हो, पार्टी का कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन पार्टी के लिए बहुत कुछ करते हैं, हर जगह रैली करवाना, हर जगह उनके साथ रात दिन एक करके पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक को मोटिवेट करना, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो पार्टी किसी पैसे वाले को, पूंजीपति को टिकट दे देती है। बस यही कारण है कि मैं दूसरे पार्टी के सदस्यों को लेना पसंद नहीं करता। मैं जितना भी जिला अध्यक्ष बनाया हूँ, मंडल अध्यक्ष बनाया हूँ, खंड बना, अभी मैं अरशद जी को बनाया हूँ, उनको प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम महासभा का प्रकोष्ठ का प्रदेश बनाया हूँ, शहनवाज अली हमारे दिल्ली
के प्रदेश बने, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मुस्लिम महासभा प्रकोष्ठ के। उसका उत्तर प्रदेश में प्रताप चौबे जी हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एस के चौधरी जी हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, विपिन शुक्ला हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, और हमारे अभिनव शुक्ला हैं जो प्रदेश महासचिव हैं। तो हमारा बहुत बड़ा पैनल बन रहा है, बहुत मौद्रिकों का पैनल बन रहा है। इसमें कोई कोई भी व्यक्ति हमारे किसी दूसरे पार्टी नहीं जुड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि नए लड़के आए जिसका जिसको राजनीति करने की इच्छा हो, इच्छा शक्ति जागृत हो। मैं उसको ट्यूशन भी पढ़ा जाता हूँ, बिल्ली के गले में घंटी को माने आपका ही गाना है। तो शुरुआत तो किसी ना किसी करनी पड़ेगी ना। आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छा चली जी, लेकिन बीच में पता चला कि 2G में आ गई है ना। कुमार विश्वास जी को उन्होंने टिकट नहीं दिया, कुमार विश्वास जी को उन्होंने राज्यसभा में, भाई दावेदार थे, कुमार विश्वास को राज्यसभा में नहीं भेजा गया 2G के चक्कर में। तो ये उनके साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए कुमार विश्वास का हृदय से मतलब उनको आघात लगा और उन्होंने छोड़ दिया। इस समय बहुत अच्छा मोटिवेशन क्लास ले रहे हैं, पूरे पूरे भारत को मोटिवेट कर रहे हैं, हर जनता को मोटिवेट कर रहे हैं, युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, शिक्षक संस्थानों में जा रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं।